हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2.3। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। पी एक्स को आपको डिवाइड करना किससे, जी एक्स से, एंड फाइंड द क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे फॉलोइंग दिए गए, मतलब तीन तीन क्वेश्चन है, आपको इसमें क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, आप सिंपली सर पूछो कि क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होते हैं। तो देखो सिंपल है, देखो एक यहाँ मान लो फाइव को डिवाइड कर रहे हो आप टू से, ठीक है, टू टू जा फोर एंड रिमाइंडर इज वन। दिस वन कॉल्ड द रिमाइंडर एंड दिस वन कॉल्ड द क्वेश्चन, दिस वन कॉल्ड द डिवाइडेंट एंड दिस वन कॉल्ड द डिवाइजर। आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख लो। देखो पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स को लिखो, बोलो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ओके, एंड जी एक्स कितना दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब आप डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू को बाहर रखो और अंदर में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब आप देखो एक्स स्क्वायर को, ठीक है, क्या बनाना है, यक्स क्यूब बनाना है। तो यक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कब बनेगा, किसका मल्टीप्लाई करें तो यक्स क्यूब बन जाएगा। सिंपली आप यक्स का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक सर, जब हम यक्स की स्क्वायर में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स क्यूब बन जाएगा, तो आप यक्स यहाँ लिखो। ठीक है, अब देखो यक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जितना पावर है पावर को उसके नीचे वाले के साथ लिखना है। देखो एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब वाला नीचे रखना। ठीक है, अब देखो एक्स का माइनस टू में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स होगा, सिंगल पावर है ना, एक्स का सिंगल पावर है, सिंगल पावर के साथ रखो तो माइनस टू एक्स यहाँ रखो। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस जब करोगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये क्या प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन चेंज कर दो तो माइनस हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स एंड प्लस इसका साइन प्लस हो गया। जब माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम साइन यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब साइन चेंज करोगे तो फाइव एंड टू डेट इज गोइंग टू बी द सेवन एक्स। ओके, एंड यहाँ क्या बचा, माइनस थ्री। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, माइनस, ये तो ऐसे ही ना, तो ऐसे उतार दो इसको, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस है। अब देखो अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको सिंपली यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, यानी एक्स स्क्वायर आपको कब बनेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो जब आप माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस थ्री इंटू टू डेट इज प्लस सिक्स। ठीक है, देखो माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू माइनस टू डेट इज प्लस सिक्स। अब आप ऐसे कर लो, अब इसका साइन चेंज कर दो, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस सिक्स थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेवन एक्स है ना, सेवन एक्स को ऐसे उतार दो, प्लस सेवन एक्स एंड माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स डेट इज माइनस नाइन। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेवन एक्स माइनस नाइन। ओके, तो अब उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना आ गया, एक्स माइनस थ्री, रिमाइंडर कितना आ गया, इतना आ गया। तो आप लिख लो यहाँ पे, देखो कैसे, देखो क्वेश्चन क्यू U O, ठीक है, T I E N T, क्वेश्चन कितना आ गया, x माइनस थ्री, रिमाइंडर, ठीक है, R E M A I N D E R, रिमाइंडर कितना आ गया, सेवन एक्स माइनस नाइन। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड, आप सेकेंड देखो, सेकेंड देखो आपको सेकेंड में, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स लिख लो, एक्स पर पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव। ओके नाउ अब देखो जी एक्स कितना दे रखा है, तो जी एक्स की वैल्यू लिखो, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स, ये जी एक्स की वैल्यू दे रखा। आप जी एक्स को और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हमेशा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके क्वाड्रेटिक के फॉर्म होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। ओके तो देखो आप अब इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, को डिवाइड करना किससे, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अब प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ऐसे डिवाइड कर लो। ओके तो देखो अब आपको एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, यक्स फोर बनाना है। तो देखो यक्स स्क्वायर यक्स फोर कब होगा, पावर फोर कब होगा, सिंपली आप यक्स में एक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ रखो क्या, यक्स स्क्वायर रखो, ठीक। आप इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यक्स पर पावर फोर हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, अब यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। ओके अब देखो यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऐसे एक लाइन खींच दो, अब साइन इसका चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका यहाँ क्या प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स पावर प्लस फोर एक्स पावर माइनस फोर ये कैंसिल होकर आंसर जीरो इसका आ जाएगा। ओके अब देखो यक्स क्यूब कहीं है, कहीं नहीं है, तो आप यहाँ पर यक्स क्यूब लिख लो प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, कहीं नहीं है एक्स क्यूब, तो हम इसका साइन क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो हमने यक्स क्यूब यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या था, माइनस में था ना, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, देखो थ्री एक्स स्क्वायर अब माइनस यक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट क्या था प्लस हाँ एक और था, एक क्या है फोर एक्स प्लस फोर एक्स हो गया। अब उसके बाद कितना बचा, प्लस फाइव, तो प्लस फाइव यहाँ लिख दो। ओके प्लस फाइव बचा ना, अब देखो आपको यक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है, तो अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यक्स से मल्टीप्लाई करो, यक्स इंटू यक्स स्क्वायर डेट इज गोइंग टू बी द एक्स क्यूब। ओके नाउ एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब यक्स का मल्टीप्लाई वन में होगा तो डेट इज प्लस एक्स। ओके अब आप इसका आंसर लिख लो, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस हो जाएगा, देखो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे देखो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर एक्स अब माइनस एक्स डेट इज प्लस थ्री एक्स, ठीक है, होता है ना, जैसे मान लो आपको करना है फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना आ जाएगा, केवल एक्स आएगा, बस वही तो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो इतना आ गया, उसके बाद अब प्लस क्या है फाइव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, माइनस थ्री से, क्यों, क्योंकि देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा कितना हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स। ओके माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में होगा तो प्लस माइनस थ्री। ओके अब देखो अब साइन चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, फाइव एंड थ्री, फाइव एंड प्लस का थ्री एट हो जाएगा। ओके अब प्लस का थ्री एक्स माइनस का थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जीरो। अब इसको देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा जीरो, तो रिमाइंडर कितना आ गया,
तो आपका रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है। तो इसका आंसर लिखो, देखो क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वाड्रेंट कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स एंड माइनस 3, ठीक है। एंड रिमाइंडर कितना आ गया बताओ, 8 आ गया, तो 8 रख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, एक किसका है सेकेंड का है, थर्ड का देखो। थर्ड देखो आपको पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स पर पावर 4 माइनस 5x अब प्लस 5, ठीक है। एंड जी एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स। तो आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2, ठीक है। हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में सर, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप लिखो। यानी जो जिसका पावर हायर है वो पहले लिखो, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर वन, ठीक। अब आप डिवाइड कर दो, तो कैसे कर दोगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखो जी एक्स को, ठीक है, और अंदर जो है एक्स पर पावर 4 माइनस 5x अब प्लस 5, ओके सिंपल। अब आपको देखो, अब आपको क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या बनाना है बताओ, एक्स पावर 4 बनाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो किसी माइनस एक्स स्क्वायर से, तब या माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, तो एक्स पर पावर 4, ओके, एक्स पर पावर 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2 में होगा, तो माइनस, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर। अब आप ऐसे लिखो, इसका साइन चेंज कर दो, माइनस और एक क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस का एक्स पर पावर 4 और माइनस है एक्स पर पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो माइनस का 5x और प्लस का 2x स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ रखो एंड माइनस का 5x यहाँ रखो एंड प्लस का 5x आप ऐसे, सॉरी ये प्लस 5x है, एक मिनट वेट, देखो ये आपका 6 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में 6 है NCERT में, तो आप इसको 6 बना लो और इसको भी 6 बना लो, ठीक है। तो आप यहाँ 6 रख दो, तो कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके। नाउ अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, को आपको कितना बार बनाना, प्लस 2x स्क्वायर बार बनाना है ना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको माइनस 2 से माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर में होगा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, तो 2x स्क्वायर। नाउ माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस प्लस 2 में, तो माइनस 4, ठीक है। अब आप इसको कर लो, कितना आएगा 6, अब इसका साइन चेंज कर लो, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना 6 एंड 4 10, ये साइन हमेशा चेंज करना भूल मत जाना, ठीक है, 6 एंड 4 10, ये कितना हो जाएगा माइनस 5x, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ हम 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 2, इतना माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में होगा, तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 एंड 4, इसका साइन चेंज कर दिया, हमने प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या था प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लिख दिया, 6 एंड 4 डेट इज 10, ठीक है। अब देखो 10, उसके बाद देखो यहाँ प्लस हमने लगा दिया, अब 5x को माइनस 5x को हमने ऐसे लिख लिया, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर गॉट कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो क्वाड्रेंट क्यू, क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा कितना आ गया, देखो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2, ओके। रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस 5x प्लस 10, ओके। दिस इज योर फाइनल, सॉरी दिस इज योर, एक क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। थैंक यू क्लास।